नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। सीएम नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान आज सिवान पहुंचे हैं। वहां पर पचरुखी, सुपौली और महाराजगंज के सोनवर्षा में वो लोगों से मिलेंगे, वहां की योजनाओं की जानकारी लेंगे, कार्यों की जानकारी लेंगे, लोगों से सीधी बात करेंगे, समाधान करेंगे उनकी समस्याओं का। वहीं पे सुनवाई होगी और वहीं पे अपने अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार स्थानीय टाउन हॉल में जीविका दीदियों को संबोधित करेंगे। साथ ही वहां पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं उनके, जिसके आयोजन में वो शामिल होंगे। कल समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार वैशाली गए हुए थे। वैशाली में लोगों से मुलाकात की, कार्यक्रम किया उन्होंने और वहां पर बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने निरीक्षण किया, समीक्षा किया। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री से ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने अपनी समस्याओं को सीएम नीतीश कुमार से साझा किया। तमाम कार्यक्रम के बाद सीएम नीतीश कुमार वहां के देवी मंदिर में जाकर के माथा भी टेका। वहां पर देश दुनिया और बिहार की जनता के लिए उन्होंने प्रार्थना की। अरे भाई, तुम लोग अलग अलग जगहों को भी देख लिए और यहाँ पर जीविका समूह के साथ भी बातचीत और अभी सभी अधिकारियों के साथ और सभी जितने हमारे माननीय विधायकगण हैं पार्षद सब लोगों के साथ भी बातचीत शुरू हो गई और यहाँ और भी क्या किया जाना चाहिए उसकी पूरी जानकारी और उसके लिए हो गया कि आगे हम लोग इस पर करेंगे। तो यही तो हमारा इस बार का उद्देश्य यही है, एक तो जो काम हुआ है उसको समझना और कई अगर आगे और कुछ होना चाहिए उसको जानना और उसके लिए आगे प्रयास करना। तो बहुत अच्छा है, अभी तक जो हम लोग तीन जगह, तीसरा जगह हो गया, सब जगह बहुत अच्छे ढंग से हो गया और आज भी सब लोगों ने पूरी बात। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। देशवा न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।